हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये फिला शूज की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पर से परचेज करा है। तो चलिए इन शू को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या खास हमें इन शू में देखने को मिलता है। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना दिशु अनबॉक्सर को, ताकि आप मेरी वीडियोस को लेकर अपडेटेड रहें। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं शू के बॉक्स की। तो आप देख सकते हैं मुझे शू का बॉक्स काफ़ी ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड आप देख सकते हैं मुझे साइड में से थोड़ा सा बॉक्स डैमेज भी यहाँ पर मिला है। बात करते हैं शू के फ्रंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का लोगो लगा हुआ है। बॉक्स को टर्न करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे सेम देखने को मिलता है। बॉक्स में ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। एंड अगर हम शू के बैक की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड लाइंस लिखी हुई है। बॉक्स को टर्न करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ साइज़ एंड MRP फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली साइज़ का चार्ट बनाया गया है। साइड में आप देख सकते हैं कि शू का नेम लिखा गया है। एंड चलिए इन शू को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसे हैं आज के हमारे शूज। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे आज के शूज। मैं इसका एक क्विक ओवरलुक आप लोगों को दे देता हूं। लेफ्ट वाले शूज को साइड में रखता हूं, राइट वाले शूज का भी एक क्विक ओवरलुक दे देता हूं। तो आप देख सकते हैं मुझे शू के बॉक्स के अंदर कुछ टैग्स देखने को मिलते हैं। एंड आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक वाइट कलर का टैग देखने को मिलता है, जिसके ऊपर MRP लिखी गई है शूज़ की। एंड पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिला लिखा हुआ है। बात करते हैं दूसरे वाले टैग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सो लिखा गया। एंड पीछे की और भी कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा गया है। एंड आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिला है, जो कि शू के फ्रेशनेस के लिए रखा जाता है। एंड चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टेस्ट की ओर। तो गाइस, चलिए बात करते हैं शू के डिजाइन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनली रेड एंड ब्लैक कलर का यूज करा गया। एंड साइड सोल में आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का यूज करा गया। अगर हम इसके अपर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सिंपल एंड प्लेन डिजाइन दे रखा है। एंड साइड में आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का एक डॉटेड पैटर्न दे रखा है। पीछे की ओर एक ग्लॉसी सा पैच अटैच कर रखा है। एंड अगर मैं शूज़ को टर्न करता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। एंड फिला का लोगो भी यहाँ पे लगा हुआ है। बात करते हैं बैक सोल की, तो बैक सोल काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाया हुआ है। आप लोअर बैक सोल में देख सकते हैं कि एक सर्कल पैटर्न यहाँ पे दे रखा है। एंड साइड में छोटे छोटे ब्लॉक पैटर्न भी हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं फ्रंट बैक सोल की, तो यहाँ पर भी मुझे एक सर्कल देखने को मिलता है। एंड साइड में ब्लॉक पैटर्न यूज़ करे गए। बात करते हैं साइड सोल की, तो साइड सोल काफ़ी ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल करा गया है। साइड में आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का यूज़ करा गया है। एंड फ्रंट में हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है। बात करते हैं शू के लेस पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शू के लेसेस रेड कलर में देखने को मिलते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा प्लेन डिज़ाइन यहाँ पर भी यूज़ करा गया। एंड बीच में हमें एक स्ट्रैप देखने को मिलता है। बात करते हैं राइट वाले शूज़ की, तो राइट वाले शूज़ का भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एंड एग्जैक्ट बनाया गया है लेफ्ट वाले शूज़ की तरह। तो गाइस, चलिए बात करते हैं शू के बिल्ड क्वालिटी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने आउटर में पॉली का यूज़ करा गया सब जगह पर। एंड इनर की ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैश का यूज़ करा गया। अगर मैं शूज़ को टर्न करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिला का लोगो अटैच करा गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लगा है। पीछे की ओर भी आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी सा पैच को स्टिच कर रखा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ बैक सोल की, तो बैक सोल मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगा। यहाँ पर अगर मैं पीछे की ओर टैप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है यहाँ पे बैक सोल। एंड अगर मैं फ्रंट में टैप कर रहा हूँ तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइड सोल की, तो साइड सोल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगा है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको टैप कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, जो कि थोड़ा बहुत मुझे अजीब लगा इन शूज़ को लेकर। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेस क्वालिटी की, तो यहाँ पर कंपनी ने राउंड लेसेस प्रोवाइड करा गया। मैं एक बार आपको इसके लेस के टिप को जूम करके बता देता हूँ।
एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस की टिप पर फिला कंपनी का लोगो यहाँ पे लगा गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना रहा है इन शूज को। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट वाले शूज की, तो राइट वाले शूज का बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा सिमिलर एंड एग्जैक्ट लगा यहाँ पे लेफ्ट वाले शूज से। तो चलिए बात कर लेते शू के इनर सोल की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने फिला हेक्सा का एक इनर सोल प्रोवाइड कराया गया। मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ एंड आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिजाइन यहाँ पे दे रखा है। काफी सॉफ्ट मुझे यहाँ पे इसका इनर सोल लग रहा है एंड आप अंदर की ओर देख सकते हैं मुझे कुछ कार्डबोर्ड मटेरियल जैसा यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पर मुझे ये बोर्ड थोड़ा बहुत लो क्वालिटी जैसा यहाँ पे लग रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शू के वेट का, तो यहाँ पे मुझे दोनों शूज का वेट 500 ग्राम्स बताया गया, जो कि मुझे अबिट हैवी लगा है, क्योंकि जो यहाँ पे क्वालिटी यूज हुई है वो मुझे थोड़ी सी लो क्वालिटी लगी है एंड उसके हिसाब से ये शूज थोड़े से हैवी लगे हैं मुझे। तो गाइज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शू की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं अगर मैं शू को फ्लेक्स कर रहा हूँ तो आउटर में काफी ज्यादा शूज स्ट्रेच मार्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर मैं आपको फिर से फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हमें शूज स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड साइड सोल में मुझे कंपेरेटिवली कोई भी शूज स्ट्रेच मार्क्स देखने को नहीं मिला है। एंड अगर मैं राइट वाले शूज को यहाँ पे उठाता हूँ और इनको भी फ्लेक्स करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आउटर में मुझे काफी ज्यादा शूज स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिले, जो कि इन फ्यूचर्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं एंड ये मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट की। तो दोनों में ही शूज मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके इनर सोल की, तो इनर सोल में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है, मुझे बिल्कुल भी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल नहीं लगा है। साइड से मुझे शूज थोड़े बहुत टाइट भी हो रहे थे। एंड अगर हम बात करते हैं शू की फिटिंग की, तो शूज मुझे सब जगह से काफी ज्यादा टाइट लगे। एंड अगर मैं इसके स्पेसिफिक साइज की बात करता हूँ, तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि एक नंबर ज्यादा बड़ा साइज लें, क्योंकि मुझे शूज को काफी ज्यादा लूज करना पड़ा था इसको टेस्ट करते टाइम। एंड आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं जंप कर रहा हूँ तो शूज काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं एंड आप शूज स्ट्रेच मार्क्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं सब जगह पर। तो फाइनली गाइस बात कर लेते हैं शू की प्राइसिंग एंड ओवरव्यू की। तो ये शूज पड़े थे मुझे कुछ 1300 के फ्लिपकार्ट पर से। एंड अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करता हूँ, तो शूज काफी ज्यादा अच्छे हैं डिजाइन में, बट मैं अगर इसकी बिल्ड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि काफी ज्यादा पुअर क्वालिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। एंड अगर आप लोगों को ये शूज अच्छे लगते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपके थॉट इस शू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली शू अनबॉक्सिंग में।